जबलपुर रांची खमरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज ऋतुराज मोनू धैर्या के नेतृत्व में नगर निगम का प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंप कर मांग की गई है कि लंबे समय से भगत सिंह वार्ड की सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय जनता काफी आक्रोशित है। बार बार शिकायत देने के बाद भी नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्र में न लाइटों की खंबे की व्यवस्था है और ना ही सड़कें दुरुस्त हैं, ना ही सब्जी मार्केट की व्यवस्था तो बनाई गई है, परंतु सभी सब्जी मार्केट अपने सड़कों पर लगा करके रखते हैं, जिस पर नगर निगम कभी भी ध्यान नहीं देता है। इन सब बातों को लेकर के आज जोन नंबर 10 नगर निगम में रांची खमरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज प्रदर्शन करते हुए DEO को ज्ञापन सौंप कर जल्द ही क्षेत्र में सड़कें रोड नालियां तथा साफ सफाई पर ध्यान देने को सचेत किया है और ज्ञापन के माध्यम से यह बताया है कि जल्द ही अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और कोई कार्यवाही नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। जैसे बस्तियों में जाम की स्थिति बनती है, उसके बहुत से कारण हैं। जैसे रोड सेंक्शन है लेकिन कोई ठेकेदार वहां काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि ठेकेदारों को पेमेंट भी नहीं हो रही है और नगर निगम ये कहता भी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जो रोड सेंक्शन हो चुकी है, बरकाडर हो चुका है और लोगों ने अपना मकान तोड़ चुका है, आधी बाउंड्री पीछे कर चुकी है, घर पीछे कर चुका है, लेकिन उसके कारण आए दिन इतनी अव्यवस्थाएँ हो रही हैं। और एक शिव यादव जी के सामने से जो रोड जाती है वहाँ पर पोल से रोड तो हो गई है, चौड़ी भी हो गई है, लेकिन अभी भी जो पोल हैं, पोल रास्ते में लगे हैं, आने जाने में दिक्कत होती है, आए दिन लोग उस पोल से टकराते हैं और गिरते हैं और यही हाल है पूरी रांची का। आज रांची मेन रोड से आप ले लो, बड़ा पत्थर तक जाओ तो अघोषित जो सब्जी मंडी है पूरी रांची में अघोषित सब्जी मंडी बनी है, जो कि इनका लगाने का एक निर्धारित स्थान है, लेकिन नगर निगम उस स्थान तक उनको नहीं ले जा पा रहा है, उनको नहीं वहां पे बैठा पा रहा, इसलिए आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और ACF के पास जो दोनों तरफ ACF की दोनों जो बाउंड्री हैं उनके बाजू आजू सब्जी मंडी का माल लगा रहता है। तो आज इसी सबको लेके आज जोन कार्यालय रांची में कैंट विधानसभा युवक कांग्रेस के माध्यम से ज्ञापन से चिन्हित जगह से पीछे कर लिए गए हैं। उसके बाद भी जब से यह हुआ है 8 माह हो गए, अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस सड़क का भूमि पूजन हो गया है। एक ये सड़क दालचंद पहलवान के घर के सामने से शंकर आटा तक की चक्की तक की है। दूसरी जो सड़क है वो सिद्धि विनायक ट्रेडर्स से सुभाष नगर से रांझी शमशान घाट तक की सड़क है। इस सड़क का रांझी शमशान घाट सड़क की ये स्थिति है कि अगर आप वहाँ पे चलेंगे तो इतनी धूल होती है कि आदमी वहाँ पे ठीक से चल भी नहीं सकता। उसके बावजूद पूरा प्रशासन, नगर प्रशासन सो रहा है। कोरोना जैसी बीमारी के बाद लोगों ने, अब जिनके पास पैसे थे उनने बनवा लिया, जिनके पास नहीं थे उन लोगों ने दीवारें टूटी हुई रखी है, लोगों ने अपने घर को बैनर से ढाँक के रखा हुआ है, किसी ने पन्नी बांधी हुई है, किसी ने बोरी बांधी हुई है, ये स्थिति है। या तो नगर निगम कम से कम एक प्रॉपर चिन्हित कर दे कि भाई आपका इतना हिस्सा जाएगा, आपका 2 फीट जाएगा, आपका 3 फीट जाएगा, एक प्रॉपर तरीके से उसको बताए, पब्लिक को जाके बताए, एक बार मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन यह भी अभी तक नगर निगम द्वारा नहीं किया गया है और अभी तक ये भी नहीं पता कि नालियाँ की क्या स्थिति है, नालियाँ कितने फिट बनी। आज हम लोगों ने यहाँ आकर नगर निगम में यूथ कांग्रेस पूरी टीम द्वारा आकर नगर निगम को एक ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्यवाही हो, जल्द से जल्द सड़क निर्माण शुरू हो और अगर ये नहीं होता तो इसके बाद कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। पोस्टर न्यूज के लिए जबलपुर से रोहित नायक की रिपोर्ट।